हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास अभी नंबर सिस्टम का चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप लोग का 8 क्लास ले चुके हैं। आज आपका 9वां क्लास जो स्टार्ट हो रहा है, वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वृहद कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। और नंबर सिस्टम का ये कहा जाए तो पिलर ऑफ नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत 30 से 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिमाइंडर थ्योरम से टैली कर रहे होते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है, इसे हमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डीपली मेथड से पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पढ़ते कैसे हैं, कितने कितने टाइप से पढ़ना है, इस सारी बात को आपको हम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक ले जाएंगे। बशर्ते आप लोग का साथ चाहिए। और आप लोग जो हैं डायरेक्ट पार्ट बाय पार्ट प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। ये जो क्लास होगा आपका प्रत्येक बैक क्लास पर डिपेंडेंट होगा। अगर एक भी बैक क्लास का छूट जाएगा तो फिर आगे समझने में आपको परेशानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस रिमाइंडर थ्योरम के क्लास को पार्ट बाय पार्ट देखते जाएंगे। और हम विश्वास रखिए, आपके सामने ऐसा कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं। देखिए क्या होगा, शुरू में आपके पिलर को मजबूत करेंगे, उसके बाद फिर कुछ एक एक पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें फिर आपको एक ऐसे मेथड से दिखाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार का रहेगा, आप लोग उसको आसानी से बना दीजिएगा। कुछ भी वक्त नहीं लगेगा, मैक्सिमम 4 से 5 सेकेंड में रिमाइंडर थ्योरम के किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर देंगे। हम आपके सामने ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हम लेकर के देंगे इसमें, बशर्ते आपका विश्वास होना चाहिए कि आप प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा कीजिएगा। क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और याद विश्वास रखिए, जब आपका पांचवा छठा पार्ट आएगा तब तक मैं आपका रिमाइंडर थ्योरम इतना डीपली डीपली क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए रिमाइंडर थ्योरम से, आप हर किसी को मेंटली बनाइएगा। मेंटली बोल रहे हैं, कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, ना किसी थ्योरम को आपको रटना है, बस मेंटली कैलकुलेशन करना है और आपका बन जाएगा। इतना अच्छा मेथड आपके सामने रख रहे हैं जो आज से पहले आप लोग नहीं देखे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे लेक्चर को, आज तो शुरुआत ही हो रहा है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सारा पिलर रिमाइंडर थ्योरम का वो आज ही बताएंगे कैसे क्या होता है। इसको ध्यान से आप लोग इस वीडियो के एक एक पॉइंट को देखिएगा। उसके बाद आपको लास्ट तक पूरे सीजीएल में कैट लेवल तक के रिमाइंडर थ्योरम को आपको करवाएंगे। बशर्ते आप लोग क्लास को नियमित रखिएगा और पर डे क्लास देखिएगा, तभी कुछ हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज से हम रिमाइंडर थ्योरम, एक बहुत बड़े बृहद कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को, जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं। बस आप लोग नियमित क्लास रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज से हम रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत सबसे पहले जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं। तो पहले आप यहां ध्यान से देखिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक, ये होता है आपका भागफल, और नीचे जो आता है वो होता है आपका शेषफल। भाजक को हम लोग हमेशा स्मॉल डी से नोट करते हैं, भाज्य को कैपिटल डी, डिविडेंड, और ये हो गया डिवाइजर, और ये कोसेंट, भागफल और रिमाइंडर को आर से सूचित करते हैं। इसको आप लोग ब्रेन में रखिएगा। हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है, जो आप लोग फंडामेंटल जानते होंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसका मतलब हम कह सकते हैं कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी क्यू प्लस आर, स्मॉल डी क्यू प्लस आर। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक, जिसमें दे रहे हैं वो भाज, जो पार्ट निकला ये भागफल, जो रिमाइंडर शेष में बच गया वो आपका क्या कहलाता है, शेष कहलाता है। ध्यान रखिएगा, शेष जो होता है वो हमेशा ही भाजक से कम ही होगा, कभी भी भाजक से अधिक आपका शेषफल या भाजक के बराबर भी शेषफल प्राप्त नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें थी जिसको समझाना आवश्यक था। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे आपको भाग देना है, 5 में भाग देना है 4 से, मेरी बात को समझिएगा, 5 में भाग देना है 4 से, तो क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना है, 4 से 5 में हम भाग देंगे तो 4 इकाई क्या होता है, 4 इकाई 4, रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर आपका 1 बच गया। तो 5 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 4 इकाई 4 1 बच गया। लेकिन अगर हम निगेटिव रिमाइंडर को देखते हैं, हर चीज का 2, एक पॉजिटिव 1 निगेटिव होता है, दोनों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव भी उपयोग करेंगे, निगेटिव भी करेंगे, लेकिन
उत्तर जो आपका होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी निगेटिव आपका उत्तर नहीं होगा। उत्तर जब भी होगा तो आपका पॉजिटिव होगा। निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग हम लोग कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए करते हैं और कोई इसका यूज नहीं होता है। तो देखिए, पांच में अगर हम चार से भाग करेंगे रिमाइंडर एक हो गया। अगर माइनस की रिमाइंडर की बात की जाए तो माइनस का मतलब ये होता है क्या कि कितना और इसमें डाल दिया जाए पांच में कि हमें पूरा का पूरा कट जाए। तो आप जानते होंगे कि अगर इसमें हम तीन और डाल देते हैं इसका मतलब है माइनस में रिमाइंडर क्या होगा, माइनस थ्री होगा। प्लस में रिमाइंडर प्लस वन और माइनस रिमाइंडर क्या होगा, माइनस थ्री होगा। नहीं समझे, ध्यान दीजिए, यहाँ पांच में भाग दे रहे थे, एक बार में तो पूरा लग गया, पूरा लग रहा था, अब दो बार ले लिए, चार दूना आठ, रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस थ्री। बस ये बता रहा है कि आगे और कितना, माइनस का मतलब होता है कि आगे और कितना चाहिए पूरा पूरा भाग लगने के लिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट था समझना, यहाँ पे है पांच में अगर हम चार से भाग करते तो पॉजिटिव रिमाइंडर एक होगा और निगेटिव रिमाइंडर माइनस थ्री होगा। जैसे सात में अगर हम छह से भाग करते हैं, छह से भाग करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा एक और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव क्या होगा आपका माइनस, सॉरी माइनस पांच। निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा आपका माइनस पांच, क्यों कि अगर इसमें पांच और जोड़ दिया जाए सात पांच बारह पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर यहाँ पे आप इसको रहिए, फिर देखिए यहाँ पे जैसे ग्यारह दिया हुआ है, ग्यारह में सात से भाग करना है, तो इसका अगर ग्यारह में सात से भाग करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है सात और ग्यारह, और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा माइनस थ्री। जैसे बारह में भाग करना है आपको सात से, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा सात पांच बारह पांच, और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा माइनस दो। बात समझ रहे होंगे, जैसे आपको भाग करना है सपोज दैट छह में आपको भाग करना है, मान लेते हैं पांच से, ये बता दिए छह में पांच से भाग करना है, तो छह में पांच से भाग करेंगे रिमाइंडर जो होगा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा पांच का ही पांच एक बचेगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर की बात क्या होगी तो माइनस चार बचेगा, क्योंकि छह में चार जोड़ देंगे दस पूरा का पूरा लग जाएगा। तो आपको माइनस के बारे में सोचना नहीं है, देखिए ये जो होना चाहिए दोनों का योगफल नीचे वाले के बराबर, एक और तीन, तीन एक चार, चार पांच एक छह, तीन और चार और तीन सात, पांच दो सात, एक चार एक पांच, मतलब ये जो निगेटिव और पॉजिटिव का योगफल अंकों का योगफल होना चाहिए वो नीचे वाले के क्या हो जाए बराबर होना चाहिए। फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहीं पर अगर आपको एक और डिजिट दे दिया है, मान लेते हैं समझिए यहाँ पे आपके सामने एक और डिजिट दे दिया है सत्रह बटा मान लेते हैं आठ दे दिया, अब लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आठ दूना सोलह, रिमाइंडर कितना बच गया प्लस एक। अब इसका मतलब एक है आठ था, कितना और चाहिए था इसमें माइनस सात। दिमाग नहीं लगाना, आसानी से निकलेगा। जैसे कहीं दिया हुआ है आपका पच्चीस बटा सात, सत्या इक्कीस, इक्कीस रिमाइंडर कितना बच गया चार, अगर चार है सात को होना चाहिए कितना बच गया लेने के लिए माइनस थ्री, इसका मतलब माइनस रिमाइंडर क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। इसको पहले आप लोग समझिएगा, जब भी भाग देना है तो प्लस भी रिमाइंडर होता है और माइनस भी होता है, दोनों को समझ के रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हमें प्लस और माइनस दोनों का प्रयोग करना होता है, प्लस और माइनस दोनों का प्रयोग करेंगे। बस माइनस का प्रयोग तब करना है जब कैलकुलेशन को आसान करना होता है, और आंसर जब भी होगा, जब भी लास्ट शेष फल आएगा हमारा, वो हमारा हमेशा किसमें आएगा पॉजिटिव ही होगा, वो हमेशा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सत्ताईस में अगर आपको आठ, आज पूरा पिलर आपका मजबूत कर रहे हैं, सत्ताईस में आठ से भाग करेंगे आठ या चौबीस, रिमाइंडर कितना हो गया तीन, और आठ चाहिए था कितना कम रह गया माइनस फाइव। सात से भाग करेंगे अगर इसमें पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा सात चौका अट्ठाईस, इसका मतलब आठ चार बारह चार, माइनस में कितना हो जाएगा इसका मतलब रिमाइंडर, इसका माइनस में अगर रिमाइंडर हम निकालते हैं तो माइनस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और चार तीन देखिए आपका सात आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर हम कैसे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे अगर आपको तीन में ही पांच से भाग करना हो, सात में अगर नौ से भाग करना हो, सात में नौ से भाग करना हो, मान लेते हैं ग्यारह में आपको पंद्रह से भाग करना हो, तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, परेशान नहीं होना है। देखिए तीन, अगर आपके पास तीन चॉकलेट हो और पांच बच्चों में बांटना हो, क्या बांट पाएंगे क्या नहीं बांटे, क्या इज्जत बचाने के लिए सबको रख लेंगे, मतलब ये ऊपर अगर अंश से कम आ रहा है, भाज अगर भाजक से कम हो जो है वही पूरा रिमाइंडर आपका बचता है प्लस थ्री। अगर माइनस में देखेंगे तो माइनस दो, तीन दो कितना हो गया पांच, सात में नौ से भाग करेंगे कटेगा क्या, कुछ भी नहीं होने वाला है, कम है जो ऊपर बचा हुआ है वही पूरा आपका रिमाइंडर, और माइनस में कितना होगा माइनस दो, सात दोनों यहाँ लगाएंगे, देखिए प्लस ग्यारह पूरा का पूरा रिमाइंडर रह जाएगा,
और यहाँ देखिए माइनस चार आपका पूरा का पूरा, 11 चार कितना हो गया 15 हो गया। अगर ऊपर कम भी है तो कुछ जो ऊपर कम है मतलब वही उसका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। इसे कहीं दिया हुआ है 11/49, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो गया 11 हो गया। अगर माइनस में रिमाइंडर कहेंगे तो माइनस रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका -38 हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा तो +11 हो जाएगा। अगर ऊपर कम है तो वही उसका क्या बनता है, रिमाइंडर बचता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, क्वेश्चन पे अभी नहीं है, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। देखिए अगर हम 6/8 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो आपको कितना आना चाहिए 6, लेकिन आप जानते हैं अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर डायरेक्ट भाग दे 6/8 रिमाइंडर कितना हो गया आपका 6 हो गया। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर 6/8 को, 6/8 को हम कह सकते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3/4 भी कह सकते हैं, 6/8 को 3/4 भी नहीं कह सकते हैं और कहते ही हैं, बराबर भी होता है। लेकिन अगर हम 3/4 कहते हैं तो यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना निकल गया, रिमाइंडर तो यहाँ हमारा अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो पॉजिटिव रिमाइंडर 3 हो जाएगा और निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा -1 होगा। इस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर +6 होगा और निगेटिव रिमाइंडर -2 होगा। 6/8 और 3/4 अगर बराबर ही है तो फिर रिमाइंडर तो हमारा बदल गया ना। अगर 6/8 लेके चलते हैं तो रिमाइंडर 6 और -2 आता है, अगर उसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो तब हमारा 3 और -1 आता है। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान ये दीजिए कि संख्या को किसे सिंप्लीफाई किया गया है, 2 से काटे थे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, जिससे सिंप्लीफाई कर रहे हैं लास्ट में रिमाइंडर में उतना से क्या करना है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 2 = 6 प्लस में भी 6 और माइनस में देखिए कितना हो गया -2 आपका रिमाइंडर आया। जैसे आपके सामने नेक्स्ट दिया हुआ है 8/16, अगर इसका हम रिमाइंडर ज्ञात करते हैं तो प्लस में तो 8 और माइनस में भी कितना होगा 8, तब ना होगा 8/16। लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 8/16 को हम कह सकते हैं 1/2, कब, जब इसको सिंप्लीफाई किससे किया गया है आपको 8 से किए, 8 × 2 = 16 काटे हैं ना, 8 × 2 = 16 किसे काटे हैं इसको 8 से काटे हैं। तो आप देखिए इस कंडीशन में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा +1 आएगा और 1 - 1 आएगा, लेकिन कब, जब 8 से सिंप्लीफाई किए, जिससे सिंप्लीफाई किए ध्यान रखना है लास्ट में उसको क्या करना है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट में उसको क्या करना है उसी से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी -8, देखिए आपको बराबर आया। तो ध्यान ये हमारा बताने का मकसद था यहाँ पे, जिस किसी भी संख्या में आप जिससे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिस भी संख्या से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, लास्ट रिमाइंडर निकालने के बाद उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको आप ब्रेन में रखिएगा, क्योंकि ऐसा ब्रेन में नहीं रखिएगा उत्तर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस कंडीशन में भाग आप 4 से देख रहे हैं और इस भाग आप 8 से दे रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। लेकिन चूंकि गणित में हम लोग जानते हैं काटने के बाद अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है वैल्यू बराबर नहीं होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या देखे, जिससे काटने के बाद 2 से काटे थे, जो मिला जो सिंप्लीफाई करके मिला लास्ट में हमें उतना से मल्टीप्लाई करना है। इसको ध्यान रखिएगा, सीजीएल के बहुत सारे प्रश्न में इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। हम आगे बढ़ेंगे तो देखते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिये यहाँ से टाइप वन आपका स्टार्ट करते हैं, अभी शुरुआत किया एकदम इजी, इजी से भी इजी क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, विश्वास रखिएगा, बस कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर रखिए। देखिए 78 में हम 5 से भाग करते हैं तो आप खुद बताइए कितना होगा। 78 में अगर हम 5 से भाग करेंगे, हम क्लियर करते हैं, पहला प्रश्न क्लियर लिख देते हैं, 78 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो प्लस में रिमाइंडर +3 और माइनस में रिमाइंडर कितना होगा -2। अगर हम 79 में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में रिमाइंडर +4 और माइनस में रिमाइंडर कितना होगा -1। अगर 83 में हम 5 से भाग करते हैं प्लस में रिमाइंडर +3 और माइनस में रिमाइंडर कितना हो गया -2 हो गया। आपको जो इच्छा हो लीजिए, हम एक बार प्लस भी लेके दिखाते हैं माइनस, आपको जो इच्छा प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम एक बार प्लस ले यहाँ पे तो देखिएगा, यहाँ से इसका रिमाइंडर 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना हो गया, इसका रिमाइंडर कितना निकल गया प्लस में +3, इसका रिमाइंडर माइनस में प्लस में इसका कितना आया +4, इसका रिमाइंडर कितना आया आपका +3, इसका रिमाइंडर कितना आया +3 आया। अब कुछ नहीं करना, 4 × 12 = 36, 36/5 रिमाइंडर कितना आ गया 5 × 35, रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। किन्हीं की इच्छा होना है सर हम माइनस भी लेके चलेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाहर प्लस में था माइनस रिमाइंडर क्या हो गया -2, माइनस रिमाइंडर कितना होगा -1, माइनस रिमाइंडर कितना होगा -2/5, 2 × 4 = -4/5, क्या बोले माइनस आंसर नहीं होता है,
माइनस चार मतलब क्या है, पांच में से चार कम, इसका पांच में चार को जोड़ दीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया इसका मतलब, एक पांच में चार को पांच है ना, पांच में आप माइनस चार को माइनस कर दिया मतलब जोड़ देना है, इस प्रकार से रिमाइंडर कितना हो गया आपका, एक हो गया। बस अगर माइनस आ जाए नीचे वाले ऊपर को घटा दीजिए, जो घट के आएगा वही आपका उत्तर होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा होगा, अगर शुरुआत ही हो रहा है आप लोगों का, पांच में माइनस चार था पांच, अगर माइनस आ रहा हो बस नीचे वाले ऊपर वाले को घटा दीजिए, जो घट के निकलता है वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 23 × 1399 × 497 × 73 × 96 में जब पांच से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, आप खुद सोचिए। प्लस और माइनस को ध्यान रखना है, अगर प्लस बड़ा हो माइनस वाला लीजिए, माइनस बड़ा हो तो प्लस वाला ले लीजिए। देखिए 25 25 रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2। यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 0 कितना कम रह जाएगा, एक कम है, -1 भाग दीजिएगा 23 × 1399 से भाग करेंगे रिमाइंडर -1। यहाँ भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर यहाँ पे +2 बचेगा क्योंकि -3 एक्स्ट्रा मिलेगा, माइनस के लेंगे तो -3 बचेगा, प्लस में +2। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ -2 और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा आपका +1 क्योंकि 19 5 95 +1। बस प्लस वाला जो छोटा आवे, प्लस या माइनस जो छोटा आवे उसको लीजिए, क्योंकि गुना भाग करना कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए गुना के, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 में, यहाँ 2 × 4 4 × 8 -8 बटा क्या हो गया 5, इसका मतलब हो गया -8 बटा 5 का मतलब ये हो गया, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा -3 बटा 5, इसका मतलब है 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे ना इसमें 8 में 5 से भाग करेंगे कितना बच गए 5, रिमाइंडर 3, -3 है, अब 5 में 3 से भाग कर दीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर 2 आपका उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना होता है, बस दिए गए संख्या में आप इंडिविजुअल सबसे भाग देते जाइए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, 2 × 2 × 4 4 × 8 -7 बटा 5 है, इसका मतलब हो जाएगा आपका रिमाइंडर कितना हो गया, -8 बटा 5 है, तो 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर -3 बचा, -3 8 में 3 से भाग, 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर तो -3 बच जाएगा, अब -3 बच गया तो 5 में 3 घटा दीजिए, लास्ट जब भी लास्ट आपका रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको आप लोग ब्रेन में हमेशा रखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने दो सवाल दिया होगा, जब भी दो तरीका बताएं उसी का उपयोग करिए और यहाँ निकालिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 78 × 94 × 95 × 97 × 95 से भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, आप खुद बताइए। अगर हम 25 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा है, डिफरेंस देख रहे हैं, अगर 1 2 3 तक का डिफरेंस हो तो ठीक है, अगर डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा का हो रहा है इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। 5 है यहाँ, 5 से देखने ही कट रहा है, 5 से 25 25, 5 से हो गया 19, कितना से सिंप्लीफाई किए इसको, कितना से 5 से काटे, ध्यान रखना है आपको कि जितने अंक से सिंप्लीफाई किया गया है उसको साइड में नोट करिए, 25 25 19 25 95, 5 से सिंप्लीफाई किए और पीछे ही बताएं आपको जितना सिंप्लीफाई करते लास्ट में उसको उतना से मल्टीप्लाई करते। अब देखिए हमारे लिए आसान हो जाएगा, 75 रिमाइंडर कितना हो गया -2, यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1, यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना हो जाएगा 95 +2, समझ रहे होंगे बात को, +2 इसको साइड में नोट कर देते हैं, गुना 5 5 से किए हैं +2 55 और यहाँ कितना होगा -1। तो उम्मीद करते हैं आपको इस बात समझ में आया होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ 2 × 4 मतलब कितना हो गया -4/5, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 × 4 -4/5, इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर कितने का आया, एक का आया, लेकिन कब, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तब, लास्ट में क्या कीजिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया 5, जितना से सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट में उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं, सवाल क्या दिया हुआ, 64 × 37 × 53 × 47 में 96 से भाग देना है, क्या देख रहे हैं यहाँ तो 96 से भाग देंगे तो सर जो का तो परा रह जाएगा, कठिन हो जाएगा, तो बस वही रास्ता ऊपर वाला, क्या करेंगे 32 + 94 और 32 × 64 किसे सिंप्लीफाई किए हैं इसको, 32 से याद रखिए। अब देखिए 3 से काटिए, रिमाइंडर कितना हो गया -1, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 3 × 12 = 36, अयोध्या 36 हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया +1, यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 3 × 3 बच गया 2 × 3 = 21, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 2, आसान होगा गुना भाग करना और कोई बड़ी बात नहीं, -1 हो गया। अब देखिए क्या आ रहा है आपको यहाँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस मतलब -1/3, इसका मतलब हो गया कि अगर आप देखा जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिमाइंडर 2 होगा, लेकिन कब, जब 32 से सिंप्लीफाई किए हैं तब, इसका मतलब लास्ट में इसको 32 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए,
32 दुना 64, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर आपका क्या होगा, रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर सिंगल कट रहा है तो ठीक है, अगर बड़ा डिजिट है, डिफरेंस ज्यादा का है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कट रहा है। अब जो कटने वाला टर्म है उसको फाइंड कर लेंगे, जिसे कटा उसको अलग रख लेंगे, फिर भाग देख के देखेंगे लास्ट में जो आया -1 था, रिमाइंडर 2 का होगा। 2 का मतलब कितना सिंप्लीफाई करना होगा हमें, 32 से किए थे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना हो गया 64, आपका उत्तर हुआ, मतलब इसका रिमाइंडर कितना हुआ 64 हो गया। देखिए इसी में क्या होता है, केवल आपको दे देगा 78 94 97 95 का अंतिम 2 अंक क्या होगा, अंतिम 3 अंक क्या होगा, वो सब भी बताएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट इसी का यूज करता है कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 3 डिजिट का, वो उस प्रकार के सवाल में वो आपको जब मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लास्ट 2 डिजिट यूनिट तो बता दिया आप लोग को, लास्ट 2 डिजिट जब आपका स्टार्ट करेंगे, अंतिम 2 अंक क्या होता है, पूरे रिमाइंडर थ्योरम के 10 क्लास के बाद तक वहां बताएंगे क्या तरीका होता है बनाने का। अभी बस रिमाइंडर थ्योरम को आपको सीखना है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे टाइप से बढ़ते हैं। अब प्रश्न उसका देखना है जो एग्जाम में हमें आते हैं, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 19 पर पावर 200, क्वेश्चन नंबर आपको डालते जाइएगा, शायद 3 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है ये। 19 पे पावर 200 में अगर आपको 18 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या होगा। 19 200 से पहले छोटी सी बात बताते हैं, जैसे 19 पे पावर आपको अगर 3 दे दिया है तो रिमाइंडर क्या होगा, इस बात को पहले समझिए। 19 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 19 गुना 19 गुना 19 बटा क्या हो गया आपका 18 हो गया 18। अब 18 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना +1, यहाँ भी रिमाइंडर कितना +1, यहाँ भी रिमाइंडर कितना +1, इसका मतलब हो गया +1 +1 कितना बार 3 बार, +1 का क्यों, इसका मतलब +1 कितना गुना करके +1 बटा 18, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितना हो गया आपका +1 आया, 1 में 18 से भाग करेंगे जो कम है तो वही आपका क्या होगा रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको इतना करना नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, बस 19 में 18 से भाग करेंगे, 18 19 में 18 से भाग करेंगे प्लस रिमाइंडर कितना 1 बचेगा, 1 पे पावर 3 बटा 18, मतलब 1 1 बटा 18, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया आपका 1 आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ये करना आपको नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आप देखिए कहां से ये बात आ रहा है, क्योंकि एक ही ना 3 बार आएगा, देख रहे हैं 3 बार आ रहा है, 1 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, कह रहा है 17 पे पावर 200 में 100, आप लोग जो है ना वीडियो को रोक करके ब्रांड बनाया कीजिएगा तब ऐसे मिलाया कीजिएगा। 17 में 16 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना हो गया, ये 1 पे पावर कुछ भी रहता है तो एक ही होता है, मतलब 1 बटा 16 रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 1 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 18 में 17 से भाग करेंगे रिमाइंडर ये 1 पे पावर एनीथिंग कुछ भी रहेगा तो 1 1 बटा 17, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, एक यहाँ से आपका एक ट्रिक निकल रहा है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। बस याद रखने के लिए कि कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं भाग देने को सीखिए, क्योंकि मेंस के सवाल में जब हम आएंगे इसी कॉन्सेप्ट का यूज वहां पे होता है। यहाँ पे जो भी संयोग से ना एक आगे पीछे हर जगह एक आगे पीछे नहीं होता है, अभी बस ये सीखेगा। ये कोई संख्या अगर ए था, ए है ऊपर वाला क्या है, ऊपर अगर ए है नीचे क्या है उससे 1 कम है, अगर ये ए है कहने का मतलब क्या है, अगर ए हो और उसमें भाग देना हो a-1 उससे एक कम भाग देना हो, पावर कुछ भी रहे, हमेशा रिमाइंडर आपका कितना मिलता है 1 मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। a पर पावर n बटा a-1 अगर हो तो उसमें भाग देने के बाद रिमाइंडर हमेशा आपका क्या मिलता है 1 ही मिलता है, क्योंकि जब भी 1 कम है भाग करके रिमाइंडर 1 मिलेगा, पावर कुछ भी रहेगा 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 16 पे पावर 200 बटा 17, 18 पे पावर 200 96 बटा 19 है, तो ध्यान दीजिएगा छोटी सी बात ध्यान रखना आपको, 16 में अगर हम 17 से क्या करते हैं भाग करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 16 मिलेगा, लेकिन निगेटिव जो पीछे ही बताएं निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा आपका -1 होगा, क्योंकि 16 तो पॉजिटिव होगा, 16 कितना कम है जिस भाग लग जाए तो 1 कम है, 16 1 17 निगेटिव हो गया। क्या यहाँ 16 रिमाइंडर लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन तो ऐसा कैसा रह जाएगा, तुरंत यहाँ माइनस लीजिए, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया -1 पर पावर 200 में 17 से भाग करना है। आपको पता होगा कि माइनस पे पावर अगर इवन है तो वो प्लस देता है और माइनस पे पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस देता है, इसको याद रखिएगा, अगर माइनस पे पावर इवन हो तो वो प्लस कर देता है और माइनस पे पावर अगर ऑड हो तो वो क्या करता है माइनस कर देता है, इवन तो प्लस ऑड तो माइनस। देखिए -1 पे पावर इवन नंबर 200 क्या आपका इवन नंबर है, ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा 1 बटा 17, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया 1 आपका रिमाइंडर हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ।
18 में 19 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा, अभी लिख रहे हैं आगे से लिखेंगे नहीं, प्लस में रिमाइंडर प्लस 18 होगा और माइनस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा माइनस 1, मतलब माइनस के 1 पर पावर कितना हो गया 296 बटा 19। और माइनस पे पावर कुछ भी, माइनस पे पावर ये सम संख्या, माइनस पे पावर अगर सम है तो वो प्लस कर देगा 1/19। इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर जो निकला आपका वो रिमाइंडर कितना निकला, रिमाइंडर 1 का आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। लेकिन देखिए 18 में 19 से भाग देना है, प्लस में तो 18 रह जाएगा, माइनस में रिमाइंडर क्या होगा बोलिए, माइनस 1, मतलब माइनस 1 पर पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1 पर पावर 201 में 19 से भाग करना है। खुद बताइए माइनस 1 पर पावर आपका ऑड है, माइनस से पावर अगर ऑड है तो प्लस की माइनस माइनस होता है, इसका मतलब माइनस माइनस तो रह ही जाएगा और 1 पर पावर कुछ भी 1, माइनस 1/18 सॉरी 1 - 1/19। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बोले, माइनस में तो होगा नहीं, वह नीचे वाले ऊपर को घटा दीजिए, 19 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 19 में से 1 गया आपका 18, आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ 19 में 20 से भाग कर देना, रिमाइंडर कितना होगा प्लस में तो 19 और माइनस में रिमाइंडर क्या होगा -1, तो -1 पे पावर कितना हो जाएगा 235 बटा कितना हो गया 20। अब आप खुद बताइए माइनस से पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, तो -1/20 हो गया आपका, -1/20। इसका मतलब दिख रहा है नीचे, इसका मतलब है यहां देते हैं, इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना होगा, 20 में से 1 गया कितना हो गया 19, आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया 19, आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो क्या देखिए हम यहाँ पर, अगर संख्या ए हो और उसमें ए प्लस 1 से भाग देना हो, ए हो उसमें ए प्लस 1 से भाग देना हो तो रिमाइंडर अगर इवन है तो रिमाइंडर 1 आता है, और अगर यहाँ पे ए हो और ए प्लस 1 से भाग देना हो और पावर अगर ऑड हो तो रिमाइंडर आपका ए जो संख्या है वो आपका ए आता है। इसको आप याद रख सकते हैं, और नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, आप बस जो कॉन्सेप्ट अभी दिए भाग दीजिए, भाग देके निकालिए आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे अगर ट्रिक में लिखना चाह रहे हैं पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ट्रिक में लिखना चाह रहे हैं तो देखिए ट्रिक में कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रिक भी रख सकते हैं एग्जाम में प्राय काम आ जाता है। अगर ए पर पावर एन में ए प्लस 1 से, ए प्लस 1 है 16 है, 16 प्लस 1 17, ए प्लस 1 से भाग देना हो तो दो कंडीशन, अगर एन आपका इवेन है और एन आपका क्या है ऑड है, दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन होगा। अगर एन आपका इवेन है, एन आपका इवेन है तो रिमाइंडर क्या मिलता है 1 मिलेगा, और एन आपका अगर ऑड है तो रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा लिख दिए थे यहाँ पे 19 में से 18 है, जो ए है ऊपर वाला टर्म वही आपका क्या होता है रिमाइंडर होता है। इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं, ए पर पावर एन में अगर ए प्लस 1 से भाग दिया जाए, पावर अगर इवेन हो तो रिमाइंडर 1 होगा, पावर अगर ऑड हो तो रिमाइंडर क्या होगा ए होगा। उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी बात आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना पाएंगे इसको। 16 में पावर 208 है, सॉरी 2008 है, उसमें 17 से भाग करना है, ए बटा ए पावर इवन रिमाइंडर तो 1 होगा, ट्रिक द्वारा हम क्लियर कर दिए, होगा देख लीजिए, भाग करेंगे रिमाइंडर -1, -1 पे पावर 2008 बटा 17, माइनस से पावर इवन तो प्लस 1/17, रिमाइंडर कितना हो गया आपका 1 हो गया। हम बार बार इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जाके बस पार्ट 2 से आप लोग का जब मेंस लेवल का हल्का हाई लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर ट्रिक काम नहीं करेगा, वही कॉन्सेप्ट को समझिए सबसे पहले। देखिए यहाँ 18 में 19 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना होगा -1, -1 पर पावर, इसको 97 कर देते हैं, -1 पे पावर आपका कितना हो गया आपका 197 बटा कितना है 19। आप खुद बताइएगा -1 पे पावर, माइनस से पावर और तो माइनस ही रहेगा, -1/19। इसका मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 19 में से गया 18 आया ना ये वाला। तो ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन, जब भी ये सब क्वेश्चन प्रायः रेलवे में और एसएससी में प्री लेवल तक में आ सकते हैं, समझ गए, रेलवे के प्री लेवल तक में आएंगे और कहीं ऐसा सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल अब लो लेवल का हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आगे बनेगा वो यहीं से उठता है आगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 4/63 में आपको 63 से भाग देना है। देखिए अभी आपको हम कोई विशेष ट्रिक नहीं बता रहे, आपको वो पिलर मजबूत करने का रास्ता बता रहे, तो पिलर के बारे में सोचिए, ट्रिक क्या है वो तो सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले पिलर मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ ये 4 है, यहाँ 63 है, तो हमको एक ज्यादा ये कम लाने का प्रयास करना है, टाइप 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जानते हैं 4 में अगर पावर 3 लेते हैं तो 63 होता है ना, अगर 4 पे पावर 3 कर दें तो 4 पावर 3 और ये 63, ये कितना होगा, अगर 3 यहाँ डिवाइड किए हैं तो 21 3
63 हो जाएगा आपका। 60 पे पावर 3 कितना होता है 64 पे पावर 21 बटा कितना हो गया 63। अब खुद बताइए 64 में अगर 63 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 और 1 पे पावर 21 बटा 63 मतलब 1 बटा 63 इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर कितना हो गया आपका रिमाइंडर 1 का हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस जो है ऊपर वाला संख्या नीचे वाला कुछ एक आगे पीछे करने का प्रयास करना। टाइप 1 पढ़ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं टाइप 1 देख रहे हैं क्योंकि आपको प्लस माइनस करने के सिखाना है। फॉर्मूला बहुत सारा होता है, अभी नहीं अभी बस कॉन्सेप्ट पकड़िए क्योंकि कहीं कुछ फॉर्मूला ब्रेन से अगर निकल गया एग्जाम में ना तो फिर धोखा खा जाइएगा। इसलिए अभी आप सीखिए कि यहाँ प्लस माइनस कैसे करना है। देखिए 2 है पावर 14 में 9 से भाग करना है। 2 पे पावर क्या करें कि 9 के लगभग में 9 से 1 अधिक या 9 से 1 कम हो, 2 पे पावर 3। अगर 2 पे पावर 3 लेते हैं तो 3 किया 9 और 3 अगर 31 किया 93, 1 2 आपका क्या होगा बच जाएगा। 31 किया 93 होता और 2 पर पावर 1 से मिला के कितना हुआ 94 भाग करना है इसमें 9 से। 2 पे पावर 3 8, 8 पे पावर 31 में गुना 2 बटा 9। अब आप खुद बताइए अगर 8 में 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना माइनस 1 और माइनस पे पावर विषम है तो माइनस ही मिलेगा आपको। माइनस 1 गुना 2 बटा 9 मतलब ये कितना हो गया आपका माइनस 2 बटा 9 कितना हो गया माइनस 2 बटा 9 मतलब रिमाइंडर जो निकलेगा आपका दिख रहा है यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर जो आपका होगा इसको हटा देते हैं ऊपर नहीं लिखे हैं जगह नहीं है। माइनस 1 गुना 2 बटा 9 बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटा 9 इसका मतलब हो जाएगा आपका रिमाइंडर कितना होगा बताइए खुद से। माइनस 2 में से 9 गया कितना हो गया 9 में से 2 गया 7 रिमाइंडर हो जाएगा आपका। रिमाइंडर कितना हो गया रिमाइंडर 7 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होगी। अभी लेवल को स्टार्ट नहीं की इजी लेवल आपको लेकर के अभी हम चल रहे हैं पार्ट टाइप 1 ये भी हम लोग देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं चलिए आगे सवाल देखिए कह रहा है 3 पे पावर 99 में आपको 10 से भाग करना है। 3 पे पावर 99 में आपको 10 से भाग करना है क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ 10 है तो ऊपर हमें 9 लाने का प्रयास करना है या 11 लाने का प्रयास करना है 9 आ सकता है कब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 49 दुना 98 और 1 बस गया 3। 3 पे पावर 1 कितना हो गया 99 बटा 10। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 में 10 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। 9 में 10 से भाग करेंगे रिमाइंडर माइनस से माइनस 1 पे पावर 49 और गुना हो गया 3 बटा 10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस 1 के पावर विषम है तो माइनस ही होगा माइनस 3 बटा 10 इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितना हो गया रिमाइंडर 7 आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। देखिए अभी केवल पिलर बता रहे हैं इसके पीछे प्राइम रहे नन प्राइम रहे को प्राइम रहे सब बताएंगे। टोसेंट मेथड एक ऐसा मेथड लेकर के आपको हम देंगे जिसके अंतर्गत कई प्रकार के सवाल टोसेंट का ही प्रयोग करके सारा क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन टोसेंट से पहले हमें थोड़ी सी जो होता है ना प्रोसेस उसको सीखना आवश्यक है। इसलिए अब ये इस पार्ट में केवल आपको प्रोसेस बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई मेथड ब्रेन से निकल जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे पहले उसको सीखिए। देखिए यहाँ 5 है 2 पे पावर 2 कर सकते हैं ना यहाँ भी टोसेंट लगेगा यहाँ नहीं सब अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे। इस पार्ट को पहले फंडामेंटल रूप से समझिए 2 पे पावर 2 ये कितना होगा 25 दूना 50 2 बच जाएगा बटा 5। 2 पर पावर 2 कितना होता है 4। 4 में 5 से भाग करेंगे कितना होगा माइनस 1 माइनस 1 के पावर 25 तो माइनस 1 ही ना हो जाएगा माइनस 1 गुना 2 बटा 5 बराबर कितना हो गया माइनस 2 बटा 5 इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया रिमाइंडर 3 आपका उत्तर हो गया। ऑटोसेंट भी होता है एक कम कर देंगे 4 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर मिला पावर डाल के निकाल लेंगे। लेकिन वो सब अगले पार्ट में अभी शुरुआत हुआ है 10 पार्ट लगभग ले जाएंगे आपका एकदम मेंस तक के क्वेश्चन को जो आप पूरे यूट्यूब पे क्या कहीं भी पढ़े होंगे नहीं देखे होंगे विश्वास है। बस आप कंटेंट को देखिए वीडियो के क्वालिटी को मत देखिए उसके अंदर के कंटेंट को देखिए उसमें आपको क्या मिल रहा है ध्यान दीजिए। 3 है या 28 है 27 ला सकते हैं ना 3 पे पावर 3 3 किया 9 किया 27 3 अगर ले आएंगे 3 अठे 24 3 अठे 24 बटा कितना हो गया आपका 28 हो गया। 3 पे पावर 3 कितना होता है 27 27 पे पावर 88 बटा कितना हो गया 28 इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया माइनस 1 का हो गया और माइनस 1 इसका मतलब माइनस 1 पे पावर कितना है 88 बटा 28। आप खुद बताइएगा माइनस 1 पे पावर सम है प्लस के माइनस में प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा ये 1 बटा 28 इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का हो गया रिमाइंडर 1 का।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि हमेशा पहला और अंतिम प्रयास ये करना है, एक अधिक और एक कम लाना है। टाइप वन पढ़ रहे हैं, एक अधिक और एक कम लाने का प्रयास करना है। वो जो ही अगर वो दिख जाता है सेशन जर में, दो दो एक सेकंड में आपको बता देगा कि लगभग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आपके जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर आ रहा है तो तुरंत आप उस मेथड का प्रयोग कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 37 पे पावर 455 प्लस 37 में 36 से आपको भाग करना है। क्या करेंगे? पहले 37 में 36 से भाग कीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया एक, एक पे पावर कुछ भी एक, प्लस 36 से 37 से भाग कीजिए, रिमाइंडर कितना होगा यहाँ भी एक, एक बटा एक 36 बराबर कितना हो गया 2/36, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया आपका, रिमाइंडर 2 हो गया। अगर इच्छा हो तो 2 18 9 36 1/18 कर देंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा, क्योंकि 2 सिंप्लीफाई किए, 2 से लास्ट में क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, सिंपल कहानी 2 हो जाएगा। देखिए 38 में 39 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा माइनस 1, माइनस पे पावर सम है तो प्लस 1, और 33 का 33 रखिए। अगर आपकी इच्छा हो तो सर कहेंगे सर हम माइनस लेंगे, ले लीजिएगा माइनस 6 बाद में मिलेगा आपको, बटा कितना हो गया 39, 33 से कितना हो गया 34/39, इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर आपका कितना हो गया, क्योंकि कम है ऊपर में, जो ऊपर अगर कम होता है, जो ऊपर में संख्या होता है वही रिमाइंडर होता है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया 34 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। भाग करेंगे माइनस 1 पावर सम है, प्लस यहाँ भाग करेंगे, अगर किन्हीं की इच्छा हो सम 33 नहीं, हम यहाँ भाग करेंगे कितना माइनस 6, माइनस 6 लीजिएगा एक, और माइनस 6 माइनस 5, 39 में से फिर 5 घटाइए कितना आएगा 34 आएगा उत्तर आपका। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। पार्ट वन अभी देख रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी बात को सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें आगे बहुत काम देने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 पे पावर 316 प्लस 1 में भाग देना है, 16 से आपको रिमाइंडर पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा 4 है और यहाँ 16 है, क्या देखिए 4 में 16 हमको मिल ही जाता है, मतलब कितना में 4 के स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर 2 कॉमन करेंगे कितना होगा 2 × 2 = 2, 5 × 10 = 2, 8 = 16, 2 × 16 हो जाएगा और प्लस 1 बटा कितना हो गया 16, खुद बताइए आप लोग। 4 का स्क्वायर 16, 16 पे पावर 158 प्लस 1/16, 16 से भाग करेंगे पूरा पूरा तो कट ही जाएगा आपका, ये तो टर्न कट के पूरा रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा, बचा केवल ये कि यहाँ पे 1/16, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 16 पे पावर 158 में जब हम 16 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि दिए गए टर्म में 16 से पूरा का पूरा क्या होगा भाग लग जाएगा। चलिए समझिएगा 4 का स्क्वायर मतलब अगर 4 से भाग करेंगे मतलब क्या हो गया 16 में अगर हम 4 से भाग करेंगे 4 × 16 पूरा कट जाता है ना, इसका मतलब वही हुआ आपका। तो 16 पे पावर 158 में जब 16 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या होगा 0 हो जाएगा आपका, 16 भाग करेंगे रिमाइंडर 0, 0 पे पावर कुछ भी क्या होगा 0 होगा आपका। यहाँ ध्यान दीजिए 14 से भाग करेंगे, इसमें 14 से भाग करते हैं तो -1, माइनस पे पावर विषम तो -1 देगा, थोड़ा सोचा कीजिए आप लोग, माइनस 14 से भाग करेंगे 14 × 1 = रिमाइंडर 3 का बच गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा बटा 14, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2/14, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितना हो गया रिमाइंडर 2 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का ये कॉन्सेप्ट जो हम आपके सामने दिए हैं बहुत समझ में आया होगा। एकदम बेसिक लेकर के चल रहे हैं अभी आपको, बहुत हाई लेवल का पावर पे पावर पे पावर अंत पावर तक, फैक्टोरियल में, बिना फैक्टोरियल में, आधार फैक्टोरियल, पावर फैक्टोरियल, बहुत तरह के सवाल पूरे कैट लेवल तक को बताएंगे। अभी केवल शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। आप लोग बैक टू बैक वीडियो को जोर देखा कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो आप लोग को, 2 क्वेश्चन आप लोग को रिट वर्क में दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर आपका क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर उत्तर दीजिएगा ऐसे ही इसमें आप लोग। तो अभी आपका पार्ट वन केवल हुआ है, क्लास वन लिए मंडल थ्योरम के अंतर्गत। अभी बहुत लंबे सवाल को आपको बताने वाले हैं, केवल इस वीडियो को देख करके ये मत सोचिएगा कि इतना सिंपल, ये सिंपल नहीं, शुरुआत भी किए हैं आपको। जब पार्ट टू पार्ट 4 पे आने लगेंगे तब एहसास होगा कि ये सब कॉन्सेप्ट का वहाँ कितना जरूरत था। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास बहुत आनंद आया होगा पढ़ने, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अभी केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत। पूरे मेंस के लेवल को वैसे सारे प्रश्न को बताएंगे जो आप कभी नहीं देखे होंगे, और आप देखे भी होंगे तो बनाने का तरीका बड़ा गंदा गंदा तरीका होगा, बहुत सारा थ्योरम गंदा गंदा याद करते हैं, कुछ नहीं करना होगा, बस जो अभी पिलर आपको मजबूत कर रहे हैं उसको आप लोग देखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा, और दो ये जो आपको रिट वर्क दिया हुआ है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देखिएगा। अगर कोई बच्चे यहाँ तक आते हैं इसका मतलब है वो पढ़ने के प्रति जागृत हैं, वो बच्चे जुड़े रहिए और क्लास को नियमित करते रहिए।